नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में भाजपा पार्षद की कार्यशैली से परेशान त्रिनगर वार्ड की जनता आम आदमी पार्टी को जिताने के मूड में है, जैसा राजेंद्र शर्मा ने बताया। त्रिनगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र शर्मा का दावा, भाजपा से नाराज जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकजुट। दिल्ली में जल्द ही होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टियों के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ता भी तैयार बैठे हैं। सभी को बस टिकट फाइनल होने का इंतजार है। मतदाताओं का समर्थन मिलने और विरोधी को पटखनी देने का तो वे खुलकर दावा कर रहे हैं। हाल ही में हमने त्रिनगर विधानसभा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और यहां से टिकट्स के दावेदार राजेंद्र शर्मा से जब बातचीत की तो उन्होंने भी पार्टी से टिकट मिलने पर अपनी जीत का दावा किया। उनका कहना था कि उन्हें त्रिनगर वार्ड के सर्व समाज का समर्थन प्राप्त है। साथ ही उन्होंने इस दौरान वर्तमान भाजपा पार्षद की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के त्रिनगर में, और हमारे साथ मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष स्वयं राजेंद्र शर्मा जी। और यहाँ पर राजेंद्र शर्मा जी, आपकी बड़ी चर्चा हो रही है चारों तरफ। किस तरह की चर्चा है तो आप ही बता पाएंगे जसवाल साहब अच्छी तरह से। कैंडिडेट है आप एक यहाँ पे हैं, अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा तो पता लग जाएगा। बेहतरी से टिकट मांग रहे हैं, मजबूती से मांग रहे हैं, पार्टी का जो आदेश होगा उसके साथ हैं। अगर आपको पार्टी टिकट देती है पक्का सीट निकाल कर देंगे आप? बिल्कुल सीट निकाल के देंगे। मेरे पास अग्रवाल समाज के प्रधान जी आपके सामने बैठे हुए हैं, और ब्राह्मण सभा और सैनी समाज जितना भी सब समाज है सबका साथ है। समस्याएं क्या क्या है शर्मा जी यहाँ पर? मैंने पिछली बार भी आप आए थे, मैंने बताया आपको, आप यहाँ पे देखिए जितने छोटे स्कूल्स हैं, छोटी यहाँ पे ये वार्ड है ना, इसमें MCD का काम सारा है, इसमें PWD का कोई बहुत कुछ नहीं है। तो इसकी गलियों की सफाई, यहाँ जो पार्षद साहब हैं वो सिर्फ लेंटर पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, सफाई पे ध्यान नहीं देते, ना ही उनके सफाई कर्मचारी पूरी तरह से आप आते हैं ड्यूटी पे। आम आदमी पार्टी आएगी तो लेंटर वाला जो मामला है ख़त्म हो जाएगा शर्मा जी? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जी, लेंटर के कोई पैसे लिए नहीं जाएंगे, ये मैं आपके इस ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, MCD के अंदर जो जनता की बेहतरी के लिए काम होगा बढ़िया से बढ़िया काम करेगी। यही वादा मंजू शर्मा ने पिछले 5 साल पहले कहा था कि भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, क्षेत्र में विकास होगा, कैसे देखते हैं आप? देखो विकास तो कुछ नहीं, आप घूम के देख लोगे आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं और समस्याएं छोटी, सफाई की बहुत समस्या है क्योंकि बाजार का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कर्मचारी पूरे नहीं आते हैं यहाँ पे। रुकिए जरा शर्मा जी, भाजपा के नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई जी, उन्होंने कहा कि यहाँ के विधायक पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर हो या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या सारे मंत्री सारे विधायक पार्षद सभी पंजाब चुनाव में हैं, दिल्ली मॉडल दिखाना चाहते हैं, मगर दिल्ली मॉडल में केवल यहाँ पर शराबें बिक रही है। देखो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, BJP का कौन सा बड़ा नेता सब उत्तर प्रदेश में है, जाके आप उनसे बात कीजिए, सब उत्तर प्रदेश पार्टी अपने चुने हुए नेता को कभी ड्यूटी दे देती है, लगा देती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आते रहते हैं और जाते भी हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना, चुनाव व्यक्ति पार्टी के लिए तो काम करेगा। अब BJP कांग्रेस के भी जितने बड़े बड़े लीडर हैं, कोई उत्तराखंड लगा हुआ है, कोई हिमाचल लगा हुआ है, कोई गोवा लगा हुआ है, कोई पंजाब लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश लगे हुए हैं, तो ऐसे क्या माहौल है वहाँ पर? पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, बहुमत के साथ सरकार बन रही है पंजाब में, और गोवा में भी बन रही है, उत्तराखंड में भी हम सरकार बनाएंगे, बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं हम सब जगह, और आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे आने वाली 10 तारीख है, 10 मार्च को आप देखोगे, इसी ऑफिस में फिर आना, मैं आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। शर्मा जी, MCD चुनाव में लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे आप? देखो मुद्दे दिल्ली सरकार के जो मुद्दे हैं वो सब देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, हम दिल्ली सरकार उसी मॉडल को दोहराएगी, जैसे MCD के छोटे स्कूल हैं उनको बहुत बढ़िया बनाएंगे हम, जो मॉडल स्कूल लगे लोगों को दिखे, जितने यूरिनल हैं वो उसमें पानी नहीं आ रहा, इतनी गंदगी है, उसको बहुत अच्छा करेंगे, सफाई का मुद्दा, लेंटर का मुद्दा, हर मुद्दे पे जाएंगे जिससे जनता त्रस्त है, उस मुद्दे पे जनता को टच करेंगे हम उससे।
गुप्ता जी, क्या माहौल है श्रीनगर में? माहौल ठीक है, केजरीवाल जी की बल्ले बल्ले है सरकार। पूजा पाठ से खुश नहीं हम लोग? नहीं नहीं, खुशी और ना खुशी की बात नहीं, मैं तो किसी से नाराज नहीं रहता, परंतु बेटर कौन है देखना यह है। केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल जो चला है, जो एक झूठा मॉडल चला था गुजरात मॉडल, रियल मॉडल तो दिल्ली मॉडल है जो केजरीवाल जी ने चलाया। और केजरीवाल जी है MCD के अंदर भी कुछ न कुछ नया करेंगे, बहुत करने के लिए बहुत है, काम करने वाले के लिए बहुत स्कोप होते हैं, चाहे हाउस टैक्स की बात है, चाहे सफाई की बात है, चाहे प्राइमरी स्कूलों की बात है, चाहे डिस्पेंसरियों की बात है। जो करप्शन जो एक मेन मुद्दा बन चुका है, और मैं तो कहूँगा BJP का पर्याय बन चुका है ऊपर से लेकर टॉप से, एक संजय शर्मा जी को मैं दोष दे दूँ तो बात नहीं बनती। अब सेंटर में देखिए ना, अंबानी अदानी और क्या है, PM के चहेते हैं, करप्शन थोक के भाव करप्शन है। मैं तो काफ़ी दिन से 1975 से एक राजनीति में सक्रिय रहा हूँ, इतनी करप्शन कभी देखने के लिए आई नहीं। करप्शन के नाम पर आकर के सरकार बनाई और करप्शन में होलसेल कर दिया काम। तो केजरीवाल जी आज दिल्ली मॉडल में, अभी पंजाब गया था 4 दिन के लिए, सरकार बन रही है, 90 सीटें आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा यूथ और लेडीज पूरे के पूरे बावड़े हुए फिर रहे हैं, तो आप वहाँ भी देखना। जो मेन चीज़ है शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, वो हर छोटे से छोटे रिक्शा पुलर से लेकर के कोठी वाले तक को चाहिए, वहाँ आपको सहूलियत मिलेगी। और कहाँ से पैसा कहाँ से आ रहा है, जैसे उत्तराखंड के लिए कल ही देख रहा था मैं केजरीवाल जी का जो मॉडल टाउन लगाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस, कह रहे 55,000 करोड़ रुपए का बजट है, 50% करप्शन है उत्तराखंड में, मैं इसको 20% भी कम करने में यदि कामयाब हो गया तो 11,000 करोड़ रुपया जनरेट हो गया, उसी को डेवलपमेंट में लगा दूंगा, वही बहुत है उत्तराखंड के लिए। क्या समस्या क्या है श्रीनगर की? श्रीनगर की समस्या तो आपसे ज़्यादा आप जानते हैं, श्रीनगर में क्या समस्या है, गलियों का हाल देख लो, आवारा पशु हैं जिनसे कितने लोग परेशान हैं, आवारा कुत्ते गायें इनसे परेशान है, ये MCD का काम है। मैं गलत तो नहीं कहूँगा संजय शर्मा जी को, संजय शर्मा जी काम नहीं, काम करना चाहिए उनको, ये 5 साल जो दिए उसमें काम करके नहीं दिखाया उन्होंने। और अभी फ़िलहाल तो हम आम आदमी पार्टी की जीत कराएंगे और यहाँ श्रीनगर में काम करके दिखाएंगे, पंजाब में भी हमारी जीत हो रही है और दिल्ली में भी MCD में हमारी जीत होगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।